से विदा लेने का समय आ गया है। वापस जा रहे हैं बैंकॉक। बैंकॉक में एयरपोर्ट के पास हमने होटल लिया हुआ है। होटल में आज शाम को चेक इन करेंगे और फिर कल सुबह दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। पटाया के बस स्टैंड पर आ गए हैं। तो जिन लोगों को पटाया से बैंकॉक जाना है तो उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि कुछ जगह हैं, कुछ मोहल्ले हैं जो बैंकॉक में जहाँ पर आप जा सकते हैं। एक मई जगह है, वहाँ 108 बात में पहुँचा जा सकता है। मोरचिट है जहाँ हम जा रहे हैं, यहाँ पर 117 बात लगते हैं। मोरचिट यहाँ का सेंट्रल बस स्टैंड है, वहाँ से आपको 30 बात की बस मिलती है एयरपोर्ट की। सीधी बस का नंबर A1 रहता है। अगर आपको स्वर्णभूमि एयरपोर्ट सीधे जाना है तो उसका 300 बात लगता है। जहाँ टिकट काउंटर है उसके जस्ट सामने इधर जो है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट की सीधी बस मिल जाती है। इस होटल का नाम है पानीनी होटल। एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। 5 मिनट में हम यहाँ से एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। अब है आखिरी दिन, बस यहाँ से चेकआउट करने का टाइम है। ये होटल सस्ता है, अच्छा भी है, बस एक प्रॉब्लम है इसमें लिफ्ट नहीं है। तो पहली मंजिल पे आपको सामान को खुद ढूंढना है। बाकी रूम में इन्होंने एमिनिटीज तो दी हुई हैं। 150 बाट ले रहे हैं ये होटल से एयरपोर्ट की शटल का। सुबह सुबह और कोई ऑप्शन नहीं है, अभी तो होटल से ही बुक कर लिया है। सुबह के 5 बजे हुए हैं। तो इसी के साथ हम अपने ट्रिप के अंत में पहुंच चुके हैं। वीडियोस देखने के लिए शुक्रिया और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गेट नंबर 7 जेट एयरवेज। 8:40 पे है जेट एयरवेज। डिपार्ट्स फ्रॉम रो नंबर P, काउंटर नंबर P, और यहाँ पर होगी हमारी चेक इन लगेज की। ये समुद्र मंथन का चित्रण है। ये राक्षस हैं, ये देवता हैं और ऊपर भगवान है। पापा को बोलिए।